हेलो दोस्तों, आज एटीके मोहन बगान एफसी उतरी थी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ। और ये मैच एटीके मोहन बगान एफसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि इस मैच से अगर 3 पॉइंट मिलता एटीके मोहन बगान एफसी को तो डायरेक्टली टॉप 6 में क्वालिफाई कर जाती एटीके मोहन बगान एफसी। और वैसा ही हुआ, एटीके मोहन बगान एफसी ने शानदार जीत हासिल किया केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ। तो दोस्तों, शुरुआती के मिनट में ही आशिक कुरियन को काफी अच्छा मौका मिलता है, लेकिन आशिक कुरियन उस मौके को भुना नहीं पाते है। लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद 16 मिनट में केरला ब्लास्टर्स एफसी के स्ट्राइकर डीएम अंटाकोस एक शानदार स्ट्राइक लेते हैं, जिसके कारण 1-0 से आगे हो जाती है केरला ब्लास्टर्स एफसी। और 23 मिनट में एटीके मोहन बगान एफसी को एक शानदार फ्री किक मिलता है, एक लॉन्ग फ्री किक मिलता है, जिसको लेते हैं डिमित्री पेत्रातोस, और उस फ्री किक से शानदार हेडर गोल स्कोर करते हैं कार्ल मैथ्यू, जिसके कारण 1-1 का स्कोर हो जाता है और फर्स्ट हाफ 1-1 के स्कोर से ही खत्म होता है। और दोस्तों, सेकेंड हाफ शुरू होते ही एटीके मोहन बगान एफसी के की प्लेयर ह्यूगो बोमर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते थे सेकेंड हाफ, जिसके कारण फेडेरिको गैलेगो को उतारते हैं कोच जुआन फिरांडो, और उसके बाद लगातार प्रेसिंग फुटबॉल खेल लेती एटीके मोहन बगान एफसी। और उसी प्रेशर के कारण 64 मिनट में राहुल केपी को रेड कार्ड देखना पड़ता है, जिसके कारण केरला ब्लास्टर्स एफसी 10 मैन डाउन हो जाती है। और उसके बाद तो एटीके मोहन बगान एफसी का लगातार अटैक बन रहा था, और उसी अटैक्स के कारण कार्ल मैथ्यू एक शानदार फिनिश करते हैं, और कार्ल मैथ्यू का ये दूसरा गोल था, और एटीके मोहन बगान एफसी 2-1 के लीड में आ जाती है। और शानदार डिफेंस के कारण एटीके मोहन बगान एफसी ने इस मैच को जीत लिया है, और इस मैच को जीतने के बाद एटीके मोहन बगान एफसी बन गई है 5वीं टीम जिन्होंने आईएसएल सीजन 9 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।